आज हम आपको एक 3 kVA बैंड्स ऑफ ब्लेड वेल्डर कैसे चलाते हैं वो दिखाएंगे। सबसे पहला स्टेप, मशीन को 230 वोल्ट सिंगल फेज देना है आपको। देते ही एक रेड कलर का इंडिकेटर लैंप यहाँ पे ग्लो करेगा। मशीन में 3 प्रकार की इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती हैं, वो जानने से पहले हम दिखाएंगे आपको कैसे ब्लेड को राइट एंगल पे कट करते हैं बिफोर वेल्डिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको राइट एंगल पे ब्लेड काटना है और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का ग्रीस, डस्ट या रस्ट वगैरह हो उसको निकाल देना है और उसका मुंह जो है वो फ्लैट कर देना है। ये बहुत ज़रूरी भाग है, अगर ये साफ सफाई ना रखी गई तो करंट का फ्लो रेस्ट्रिक्ट होगा, किसी भी प्रकार का रस्ट नहीं होना चाहिए। चलिए आइए वेल्डिंग की तरफ। इसमें 3 प्रकार की सेटिंग होती है, ये देखिए, इसको बोलते हैं अपसेटिंग वे स्विच। इसको इसी से मूवमेंट आती है स्लाइड में। आप देख रहे हैं यहाँ एक रेड कलर का इंडिकेटर है, ये लाइन जिससे डिस्टेंस क्रिएट किया जाता है। जैसे अभी हम एक 1.25 इंच का ब्लेड वेल्ड कर रहे हैं तो हमको ये 3 पे रखना है। ये 0 से लेके 4 तक की सेटिंग है, अब हम इसको 3 पे रखेंगे। ब्लेड को क्लैंपिंग करने से पहले ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, उसी के बाद ब्लेड को क्लैंप करना है। 3 पे रखा गया, अप सेटिंग वे स्विच। सेकेंड, अप सेटिंग प्रेशर स्विच, इसको हम रखेंगे 3 पर। ये है रोटरी स्विच, इसको हम रखेंगे 4 पर। उसके बाद प्रोसीड करते हैं वेल्डिंग के प्रोसेस की तरफ। ब्लेड को दोनों स्लाइड के बीच में सेंटर में क्लैंप करना है और दोनों का मुंह टच रखना है, किसी किस्म का गैप नहीं होना चाहिए वेल्डिंग में। ये देखिए, कोई किस्म का गैप नहीं, मुंह एकदम टच से टच। अब ये अपसेटिंग वे स्विच को हम लोग वेल्डिंग की तरफ ले जा रहे हैं। यहाँ देखिए एक वेल्डिंग का मार्किंग है, वेल्डिंग। उसके बाद हमको ये लीवर जो है वो नीचे की तरफ दबा के रखना है और तब तक दबा के रखना है जब तक वेल्डिंग का प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। इसको प्लीज़ बीच में ना छोड़िएगा। अब हम प्रोसीड करते हैं वेल्डिंग की तरफ, नोट कीजिए। आपने देखा वेल्डिंग का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब इसको डीक्लैंप करेंगे हम। आप देख सकते हैं मजबूत वेल्डेड जॉइंट आया है। वेल्डिंग का प्रोसेस होने के बाद अब हम चलते हैं एनीलिंग की तरफ। ये लीवर को आपको एनीलिंग की तरफ ले जाना है। नेम प्लेट पे मार्किंग है, देखिए गौर कीजिए, एनीलिंग। ये नॉब को पूरी तरह इस तरफ ले आना है, एनीलिंग की तरफ। वापस ब्लेड को क्लैंप करना है सेंटर में रख के और फिर हमारे को ये स्विच, एनीलिंग स्विच, उसको दबा के रखना है, उसको हीट देना है। ये प्रोसेस 2 से लेके 3 बार आपको फॉलो करना है। हल्का सा लाल ब्लेड हो जाना चाहिए बस। इसी तरीके से वेल्डिंग और एनीलिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ। देखिए वेल्डिंग और एनीलिंग का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अभी हम जॉइंट का स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं। इसको बेंड करके देख रहे हैं दोनों तरफ से। ये दिखाता है किस तरीके का मजबूत जॉइंट आया है। वेल्डिंग और एनीलिंग प्रोसेस कंप्लीट। इसके बाद ये बर निकालने के लिए हैंड ग्राइंडर, हैंड हेल्ड एंगल ग्राइंडर से ये बर निकाल देना है आपको, तो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए ग्राइंडिंग के बाद इस तरीके से सरफेस फ्लैट कर देना है आपको। ओवर ग्राइंड भी नहीं करना है, सिर्फ आपको हल्का सा बर निकाल देना है जो बर डेवलप हो गया था। और वेल्ड का स्ट्रेंथ देखिए आप, इस तरीके से बैंड्स ऑफ ब्लेड वेल्ड किया जाता है।